पूरी दिल्ली में वो आए हैं बट वो सिर्फ मुझसे मिल के गए, तो ये मेरे लिए एक अलग लेवल पे बात है। लोग मुझसे कह रहे हैं मैंने लोगों का रोजगार छीन लिया है, तो जिसने भी बोला गलत बात है। इस रोड की किस्मत बदल गई, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, सिर्फ और एक तो जैसे बहुत बंदे कह रहे हैं कि डुप्लीकेट, आप बंदे बोल रहे हैं कि वहाँ पर जाके डुप्लीकेट बहुत लोगों ने चालू कर लिया है। मैंने किसी को डुप्लीकेट नाम नहीं दिया, मैं सिर्फ अपने आज भी मैं अपने काम से थोड़ा इसलिए हटी हूँ कि मेरे बैग में पेन होने लगा था, इसलिए आज आके बैठी हूँ, वरना तो मैं अपने काम में इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे ना इधर ध्यान होता है ना इधर ध्यान होता है। जैसे पहले कार्ड दो थी, अब वो वड़ा पाव की कार्ड चार हो चुकी है। हाँ। आप देख सकते हो जैसे आपकी जो उनसे क्राउड कर बंदे नहीं आपको अटेंड कर पा रहे ना आप उनको कर पा रहे हो, वो उनके पास जाके उनका टेस्ट ले रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कस्टमर्स को? नहीं, अच्छी बात है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, सारी चीजें हैं। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर लोग वड़ा पाव का ही क्रेज कर रहे हैं तो मैं अपने इलाके में ही वड़ा पाव मैंने लिया है, ठीक है? और ये लोग कहीं और, जैसे कोई एक मेरे भाई है यूपी से आ रहे हैं, एक मेरी बहन है पता नहीं कहाँ से आ रही है, तो अपने ही इलाके में वड़ा पाव को चलाओ। अगर वड़ा यहीं आके क्राउड आप कर रहे हैं, मतलब मेरा ही क्राउड को ले रहे हैं, तो वो फिर अपनी सोच है। जैसे वो वड़ा पाव वाला बच्चा भी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है लक्ष्मी नगर के अंदर, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे छोटे से बच्चे के लिए? अच्छी बात है, बच्चा है सारी चीजें, बट जो बच्चे को सिखाया जा रहा है कि दीदी सुंदर है, दीदी के पास आप जा रहे हैं, तो ये चीजें नेगेटिविटी है, बच्चे को आप नेगेटिविटी साइड ले जा रहे हो, वो बच्चा एक मेहनत कर रहा है उसको सैल्यूट है। तो जैसे बहुत ज्यादा बंदे कह रहे हैं कि बेरोजगार आपने ले लिया उनसे, मैंने नहीं लिया, मैंने तो लोगों को रोजगार दिया। अभी जैसे आपने कहा कि मेरी बगल में चार कार्ड बड़ा पाव की गाड़ी हो गई, तो रोजगार दिया ना। मैंने किसी से रोजगार नहीं छीना है मेरे, जैसे आप मोड़ के देखिए भैया खड़े हैं, लेमन जो वाले भैया खड़े हैं इधर, लेमन वाले भैया खड़े हैं, ये देखो इस रोड की किस्मत बदल गई। इस रोड पे लोग बाग आने में डरते थे, जो आज की डेट में यहाँ पे भीड़ का तांता लगे हुए ना, दिस इज अ लेडी। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। तो पहले एकदम सुनसान इलाका होता था, बिल्कुल सुनसान भाई साहब, यहाँ से आप निकल नहीं सकते थे। अच्छा, स्कूटी बाइक तो छोड़ो, अब गाड़ी में नहीं निकल सकते थे यहाँ से, डर लगता था इंसान को निकलने में। लेकिन आज इस रोड पे आप यहाँ से और वहाँ तक चले जाओ ना, गाड़ियों की लाइन खड़ी है। हाँ जी, बंदे पे बंदा चढ़ रहा है सिर्फ इस लेडी की वजह से। और आप सिंगल वुमन के बारे में क्या कहना चाहोगे? दीदी ने इतना कुछ कर दिया, जैसे अपनी मेहनत है उसकी। हाँ जी भाई, किसी का रोजगार में, लोग मुझसे कह रहे हैं मैंने लोगों का रोजगार छीन लिया है, तो जिसने भी बोला गलत बात है, 200% गलत है। अगली ने अपने दम पे अपने कारोबार खड़ा कराया, उसको सल्यूट करो, उसको सल्यूट करो। हाँ जी, ये मत बोलो कि उसने किसी का कारोबार छीना। इस रोड की किस्मत बदल गई, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, सिर्फ और एक कि इस रोड की किस्मत बदल गई। आज ये गाड़ियां देख रहे हो ना, हाँ जी हाँ जी, वो वड़ा पाव खाने के लिए भी नहीं होंगी, सिर्फ एक कार्ड को देखने के लिए कि यहाँ भीड़ कहाँ से कहाँ तक है। भीड़ बता रही है आपको, मैं नहीं बोलूंगा, ये बताएंगे आपको, ये भीड़ बताएगी आपको। आज भी मैं अपनी कार से सिर्फ इसलिए हटी हूँ कि मेरे बैग में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था, इसलिए मैं बैठी थी।